अस्सलामु अलैकुम जी माय यूट्यूब फैमिली। मैं ना आज बहुत ही जल्दी से बनाने लगी थी मटन पुलाव, जो कि हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। बहुत ही इजी सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। जब भी आपको देर हो रही हो तो आप इजीली इस तरह से बना सकती हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल भी इसकी जो कहते हैं ना, ये खाने में इसका टेस्ट ख़राब होता है ना इसकी लुक ख़राब होती है, अगर आपको पकाना आता है तो प्रेशर कुकर में। बल्कि ये तो बहुत इजी काम कर देता है इसमें पकाने में ना। मैं गई हुई थी, बच्चों का कुछ लेना था स्कूल का सामान, तो बस वापसी पे आए जब तो लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा चलिए जी इसको ना जल्दी से हम पकाते हैं प्रेशर कुकर में मटन पुलाव। देखिए मेरी ज़ुबान भी फिसल रही है, बात नहीं हो रही, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब था। लेकिन फिर भी जो जहाँ पर बात चावलों की आ जाए तो बंदा नहीं रह सकता, ना ही छोड़ सकते हैं चावल। तो जी हमने इसमें सब कुछ किया, दड़ज गड़ज करके हमने डाल दिया इसमें, सब कुछ ही मिक्सी डाला है। बस मटन जो था वो पहले से बॉयल था और बाकी सब चीज़ें मैंने डाली हैं। थोड़ी सी यखनी भी डाल रही हूँ मटन की इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये लग रहा था प्रेशर कुकर में ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यखनी भी डाल दी। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं ना उनको देखने अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो दो दिन हम लोग तीन दिन रह के आए वहाँ पर, तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, सबके भाइयों समेत मेरे भाइयों को भी, बहन भाई सबको। तो जी हमने यहाँ पे पुलाव का जो था अपना सारा तैयार कर लिया। इसमें हमने जो यखनी थी पुलाव वाली, सॉरी मटन वाली, वो डाली। तो ये देखें, ये जब प्रेशर कुकर हमने लगा के खोला इसको, तो ये पता है जो सारे मसाले होते हैं ये सब क्यों आपस में इत्तेफाक कर लेते हैं और एक साइड पर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं सब, और बाकी चावलों को बेचारों को गरीब छोड़ देते हैं अलग से। तो ये देखें बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव बना था, जैसा ये आपको लग रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत एक एक दाना इसका अलग था, क्योंकि ये जब गरम गरम था ना इसलिए लग रहा था कि ये जुड़े हुए चावल हैं, लेकिन बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं पके, बहुत मज़े के पके थे। तो मैं आपको इसको ना एक प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये बहुत मज़े का बना है, इतना टेस्टी था। मेरी बेटी है छोटी, वो भी बहुत शौक़ से खा रही थी इसको कि बहुत मज़े का, बहुत यमी है मामा। तो साथ ही हमने क्या किया जी, इसको दुबाला इसका लुत्फ करने के लिए हमने मंगा ली साथ में कबाब। तो ये बहुत मज़े के थे, हमने बहुत इन्जॉय किया, साथ में मेरी सिस्टर थी, भांजे थे, सब हमने खाया और बहुत फ़न किया। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।